बीसीसीआई प्रमुख अनुराग ठाकुर ने चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष संदीप पाटिल की खिंचाई करते हुए कहा कि उनके द्वारा कार्यकाल समाप्त होने के बाद सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और दूसरे खिलाड़ियों को लेकर कुछ गोपनीय तथ्यों का खुलासा करना अनैतिक था। ठाकुर ने सीधे शब्दों में नहीं बताया कि पाटिल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि बोर्ड इस संबंध में उनसे बात जरूर करेगा। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पाटिल ने हाल ही में खुलासा किया था कि चयन पैनल सचिन तेंदुलकर को टीम से बाहर कर सकता था, लेकिन इससे पहले उन्होंने खुद ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। पाटिल ने ये भी कहा कि वो विश्व कप 2015 से पहले धोनी को वनडे की कप्तानी से हटाने पर विचार कर रहे थे। ठाकुर ने आगे कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि संदीप को पूर्व अध्यक्ष होने के नाते ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए थी। जब वो चेयरमैन थे वो इन सवालों का अलग तरह से जवाब देते थे, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्होंने भिन्न तरह से जवाब दिए। उन्होंने ऐसा करके पूरी तरह से अनैतिक काम किया। जब ठाकुर से इस संबंध में सवाल किया गया कि गोपनीयता के उल्लंघन के चलते क्या पाटिल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही बोर्ड का कोई उपयुक्त व्यक्ति पाटिल से इस संबंध में बात करेगा। ठाकुर ने ये भी कहा कि अब पाटिल को हायर करने से पहले 10 बार सोचा जाएगा। साथ ही बीसीसीआई के दरवाजे भी हमेशा के लिए पाटिल के लिए बंद हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में अपना टेन्योर खत्म होने के बाद पाटिल ने कहा था कि सिलेक्शन पैनल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से सचिन के संन्यास लेने से पहले ही उन्हें टीम से बाहर करने का मन बना लिया था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।